हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो में हमने शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज शीयर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, अलग अलग क्या लोडिंग कंडीशंस होती है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बीम दैट वी नीड टू स्टडी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के जो केसेस हैं वो सब केसेस हमने देखा था। ओके, वीडियो के लास्ट में मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारा एक टॉपिक जो है बेसिकली SFBM का, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का, वो रह गया है, वो है बेसिकली योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इससे रिलेटेड जनरली आप हर कॉन्सिक्यूटिव ईयर में एक क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, किसी भी आप लोगों का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, और बेसिकली SSC में तो SFBM तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कल देखा, आप लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम देखा कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, सो जनरली इन केस ऑफ योर बीम लोडेड विद द ओवरहंग बीम, ठीक है, ओवरहंग बीम का केस हमने देखा था। ओके, तो हमारे बेसिकली तीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स थे। फर्स्ट वर्स वर सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकेंड वन इज कैंटिलीवर बीम, थर्ड वन इज योर ओवरहंग बीम। ठीक है, तो जनरली ओवरहंग बीम के केसेस में आप लोगों को क्या मिलेगा, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं, दैट चेंजेस इट्स साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो इन एनी काइंड ऑफ बीम व्हेन द बेंडिंग मोमेंट बिकम्स जीरो, और इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ बीम व्हेन द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आप लोगों को, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, और बीम्स के कंडीशन में जब आप लोग बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, जनरली पॉइंट लोड और ओवरहंग बीम के केस में तो ये आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज जीरो, द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, द पॉइंट वेयर द शेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज जीरो, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट मे बी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखिएगा। ओके, नाउ आज जो हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ योर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल स्टार्टिंग में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करके जाइए एग्जाम में। ओके ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बाय डेफिनेशन हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम मीन्स वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री, तो उस केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, ऑप्शन इज मैक्सिमम, अनदर इज मिनिमम, WL/2 और WL। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या मिलता है, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, वैल्यू आप लोगों की मैक्सिमम मिलेगी आप लोगों को। आप WL/2 WL इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे कोई भी आप लोगों को लोडिंग कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, सो द बेंडिंग मोमेंट फेस्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज मैक्सिमम। क्लियर है, सेकेंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट द फ्री एंड विल बी, हमने कल देखा था एग्जांपल क्या था हमारा, शियर फोर्स की बात नहीं हो रही, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात हो रही है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जब हमने लिखा था हमको क्या मिला था, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिला था, और तो जो शियर फोर्स डायग्राम था हमारा बेसिकली इट वाज ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप, बट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वॉज अ ट्राइंगुलर शेप। ठीक है, तो यही पूछ रहा आप लोगों को, एट द फ्री एंड विल बी अ ट्राइंगल विथ मैक्सिमम हाइट अंडर फिक्स्ड एंड। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए क्या क्या, ट्रायंगल विद मैक्सिमम हाइट अंडर फ्री एंड, अ ट्रायंगल विद मैक्सिमम हाइट अंडर फिक्स्ड एंड, अ पैराबोलिक कर्व, नॉन ऑफ दिस। पैराबोलिक कर्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला था जब हमने मोमेंट का इक्वेशन लिखा था। ठीक है, अगर हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलता है देन इन दैट केस वो बेसिकली आप लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी अ ट्रायंगल विद मैक्सिमम हाइट अंडर फिक्स्ड एंड। ठीक है, नाउ फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, लोड विद पॉइंट लोड, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, सिंपली सपोर्टेड बीम के कॉन्सेप्ट में क्या था हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस फॉर्म में आ जाता है, देखिए दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट तो जीरो मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, बिकॉज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो आपके जहां भी सपोर्ट्स होंगे ठीक है, बेसिकली उस पॉइंट पे या एंड्स पे आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो मिलेगी। ओके, बट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट विल बी, तो स्ट्रेट लाइन हमको क्या मिला था, कैंटिलीवर के केस में भी ट्रायंगल मिला था, तो बेसिकली फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम इट विल ऑल्सो बी अ ट्रायंगल। ठीक है, पैराबोलिक कर्व क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी डिफाइंड है। क्यूबिक कर्व क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं मिला था इक्वेशन में मोमेंट के। ठीक है, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। ठीक है, तो पॉइंट लोड मैक्सिमम के लिए कंडीशन पे आप लोगों को क्या मिलता है, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू आप लोगों को दोनों रिएक्शंस मिल जाएंगे। जब दोनों रिएक्शंस आप लोगों को मिलते हैं तो रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एट द सेंटर, सेंटर बोलने का सेंस ये है स्पैन अगर एल है आप लोगों का तो द सेंटर विल बी एट वैल्यू एल बाई टू। सो डब्ल्यू बाई टू दैट इज द रिएक्शन एट वन एंड मल्टीप्लाइड बाय किस लेंथ पे चाहिए हमको, सेंटर पे दैट इज एल बाई टू, तो आप लोगों को वैल्यू क्या मिल जाएगी, डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, ये चार्ट मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, वेरियस लोडिंग कंडीशन, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, वो चार्ट को बेसिकली आप लोग समझ के जाइएगा, पहले तो आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद वो वैल्यूज को लास्ट मोमेंट में जो फॉर्मूला कॉपी की बात हुई थी आप लोग की उसमें नोट करके रखिएगा। ठीक है, बिफोर 1 वीक वो आप लोगों को कवर अप करके जाना है पूरा। ओके, नाउ फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल लोडेड विथ यूडीएल। अब ये यूडीएल क्या था, टाइप ऑफ लोडिंग में हमारी जो सेकेंड लोडिंग थी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, वॉट इज दिस डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है, वॉट इज दिस डब्ल्यू बाई एम, दिस इज वेट पर मीटर। ठीक है, ओवर द होल स्पैन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को कहाँ मिलता है, इन केस ऑफ बेसिकली सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आप लोगों को हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, तो इट विल बी एट द सेंटर ऑफ द बीम या हाफ ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम। ठीक है, ऐसा कुछ भी वर्डिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वॉट विल बी द वैल्यू, देखिए यूडीएल के केस में आप लोगों को क्या मिलता है, द सपोर्ट्स व्हाट यू आर गेटिंग। ठीक है, सपोर्ट में आप लोगों को रिएक्शंस क्या मिलेंगे, डब्ल्यू एल बाई टू एंड डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, तो डब्ल्यू एल बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट एट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन पूछ रहा है, तो यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंडीशन एट एल बाई टू। ठीक है, तो उस केस में जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एल बाई टू, ओके, इंटू एल बाई टू। तो एल बाई टू आप लोगों को क्या हुआ, लोकेशन ऑफ द लोड इंटू डिस्टेंस कितना होगा उस स्पैन से आप लोगों का, तो एल बाई टू। तो बेसिकली आपको वैल्यू जो मिलती है दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, अब ये एल स्क्वायर है, देखिएगा जो मोमेंट की वैल्यू है ये आप लोगों को क्या मिल रही है, एल स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर में आप लोगों का पॉलिनोमियल ऑफ पावर टू, डिग्री टू। ठीक है, तो डिग्री टू का केस है तो शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विल बी अ पैराबोला। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, तो इसमें क्या मिलेगा, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट पूछता है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, तो आप लोगों को मिलेगा अ पैराबोला। ठीक है, आ गया क्वेश्चन जो आज हमारे वीडियो का स्टार्टिंग था, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, तो मैंने यही स्टेटमेंट आप लोगों को दिया था, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम यू कांट से, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम ये भी आप लोग नहीं बोल सकते, बट बेंडिंग मोमेंट इज आइदर जीरो और चेंजेस साइन। ठीक है, चेंजेस साइन का भी मतलब क्या हो रहा है, फ्रॉम इट ट्रेवल्स आइदर फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू अ नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू टू अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस साइड से लोडिंग कंडीशन को एज्यूम कर रहे हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पे जीरो होगा दैट इज योर बेसिकली द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर्स इन केस ऑफ। ठीक है, वीडियो का स्टार्टिंग का 1 मिनट देखा होगा तो ये भी आंसर आप लोगों के पास है, कैंटिलीवर बीम यू डिडंट गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स विल बी जीरो। ठीक है, बट
हमने बात की थी एट द स्पैन ऑफ अ बीम। अगर बीम के किसी भी स्पैन में बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है तो दैट विल बेसिकली कॉल्ड एज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में भी आप लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग ओवर हैंगिंग बीम्स, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम्स क्या है? द बीम विच आर सपोर्ट विच आर नॉट सपोर्टेड एट द एंड बट आर सपोर्टेड एट एनी स्पैन ऑफ अ बीम, ठीक है। बीम के किसी भी स्पैन पे दो जगह पे आप लोगों का अगर सपोर्ट है, नॉट एट द एंड, ये कंडीशन मैंडेटरी है, ठीक है। तो दैट विल बी आर ओवर हैंगिंग। अब एक न्यूमेरिकल आता है आप लोगों के लिए, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ इज गिवन 2 मीटर, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 150 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ओवर इट्स होल स्पैन, द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द बीम विल बी। अच्छा, अब कैंटिलीवर बीम के केस में शेयर फोर्स की वैल्यू आप लोगों को क्या मिली थी? तो आप लोगों को वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है बेसिकली डब्ल्यू, जो रिएक्शन होगा आप लोगों का। यूडीएल के केस में आप लोगों को क्या मिलता है? WL/2, ठीक है। तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहे हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स यूटीएल के केस में क्या होता है? W×L, ठीक है। तो W×L दैट मींस लेंथ इज गिवन 2 मीटर, द वैल्यू ऑफ योर यूटीएल इज गिवन 150 न्यूटन पर मीटर, तो दिस 150 × 2 विल बी द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, वैल्यूज दिमाग में होनी चाहिए, क्वेश्चन फटाफट बनते हैं आप लोगों के शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का। क्लियर है? कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 3 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड 100 न्यूटन एट द फ्री एंड, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम विल बी। कैंटिलीवर का केस है, 3 मीटर स्पैन है, पॉइंट लोड 100 न्यूटन एट द फ्री एंड, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या था? W×L, सेम केस, ठीक है। बट याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स फॉर अ UTL ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, इज WL, बट फॉर अ पॉइंट लोड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, फॉर अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड इज WL। याद रखिएगा, रिलेट करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करने बोल देगा, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर अ UTL केस विथ रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ पॉइंट लोड, तो वैल्यू विल बी 1, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट एंड सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑलवेज, अभी मैंने बताया सपोर्ट्स पे मोमेंट क्या होगा आप लोगों का? 0 होगा। क्यों होगा? ये जब हम बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बीम्स के लिए, तब मैंने बताया था कि जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीम्स का मोशन रेस्ट्रिक्टेड है या कंस्ट्रेंड है, इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन यू विल गेट अ रिएक्शन। तो सपोर्ट्स पे क्या है? मोमेंट आप लोगों का क्या रहेगा? मोमेंट नहीं रहेगा। सो फॉर दिस केस द वैल्यू ऑफ मोमेंट एट द सपोर्ट्स विल बी 0, ठीक है। द शेयर फोर्स एट द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ एल और स्पैन, आप लोगों ने देखा था, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए आप लोगों को 2 केसेस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू। सो फॉर अ बीम लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सर द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट द मिड स्पैन विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 0 हो रहा है, तो अभी हमने देखा था कि व्हेन द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 0, द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों हो सकते हैं, बट मेनली इन द स्पैन इट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। शेयर फोर्स एंड लोडिंग्स आर रिलेटेड बाय, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने कल वीडियो में ये रिलेशन देखा नहीं था, बट विद दिस क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। द शेयर फोर्स एंड लोडिंग्स आर रिलेटेड बाय, अब देखिए लोड गिवन है, सेकेंड इज योर शेयर फोर्स, थर्ड इज योर बेंडिंग मोमेंट, सो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? लोड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू द डिफरेंशियल ऑफ योर शेयर फोर्स, ठीक है, एंड द डिफरेंशियल ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू योर वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन अ लोड एंड द बेंडिंग मोमेंट, सो द बेंडिंग मोमेंट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ अ योर लोडिंग कंडीशन. ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन शेयर फोर्स एंड लोड आर रिलेटेड बाय, सपोज लोड इज डब्ल्यू, शेयर फोर्स इज एफ, सो दिस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ. ठीक है, दिस एफ इज योर शेयर फोर्स. ओके, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट देखिए अभी मैंने बताया आर रिलेटेड बाय एफ इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स. अब ये दोनों क्वेश्चन को अगर हम एक साथ देखते हैं, सो डब्ल्यू और डी एम बाई डी एम को अगर हमको रिलेट कर रहे हैं तो वट वी विल गेट दैट डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर एम बाई डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा आप लोगों को. द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विथ यूटीएल ओवर द होल स्पैन विल बी अ पैराबोला. अब ये क्यों हुआ, देखिए नया केस आया एक यूटीएल के केस में. सो व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो जब आप लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन जनरेट करेंगे, सो इन दैट केस द इक्वेशन विल बी अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल. ओके, तो जब डिग्री पॉलिनोमियल और डिग्री टू मिलेगा दैट इज अ पैराबोला. ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों की क्या आ जाएगी, आंसर विल बी योर पैराबोला. ठीक है, अब जो हमने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसको अपोजिट थोड़ा सा चेंज करके क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी पूछ रही है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो दैट विल बी इक्वल टू योर शियर फोर्स एंड द रेट ऑफ शियर फोर्स विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ योर लोडिंग कंडीशन. ठीक है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोअर द लेफ्ट हाफ स्पैन द पॉइंट ऑफ कंट्रोल रप्चर विल ऑकर इन. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर क्लियर है. सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल कंडीशन. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होता है, सपोर्ट्स पे, तो सपोर्ट्स पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर की बात आती नहीं है. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर विल ऑकर इन योर स्पैन. स्पैन में कहीं भी बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज नहीं होता है या बेंडिंग मोमेंट इज नाइदर जीरो एट एनी ऑफ योर पॉइंट. ओके, सो इन दैट केस वी विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर विल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू पॉइंट इंडिकेट दैट देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर फोर्स डायग्राम. कल हमने जब शेयर फोर्स डायग्राम स्टडी किया था पॉइंट लोड कैंटिलीवर के लिए, उस केस में हमने क्या देखा था कि एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स दैट अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स अ पॉइंट लोड बिटवीन द टू पॉइंट देयर इज अ परपेंडिकुलर फोर्स इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर स्पैन. ठीक है, उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई एक लोड है, फॉर दैट पर्टिकुलर फॉर दैट लोड देयर विल बी आइदर इंक्रीज इन द शेयर फोर्स और देयर विल बी द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स. क्लियर है, व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज पैराबोलिक कर्व बिटवीन टू पॉइंट इट इंडिकेट्स दैट देयर इज द बेंडिंग मोमेंट इज पैराबोलिक कर्व. देखिए अब केस आता है कि पैराबोलिक कर्व है तो कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व दैट मीन्स सीधा क्लिक करता है आप लोगों का माइंड कि पॉइंट लोड के केस में पैराबोलिक तो आता नहीं है. ठीक है, बट इट ऑकर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मिंग लोड. बट फॉर अ बेंडिंग मोमेंट इज पैराबोलिक कर्व बिटवीन टू पॉइंट इंडिकेट्स दैट. पैराबोलिक कर्व आप लोगों को सिर्फ जनरेट होता है इन केस ऑफ यूटीएल, नो लोडिंग का केस आएगा ही नहीं. पॉइंट लोड में पैराबोलिक कर्व मिलता नहीं है आप लोगों को, डिग्री ऑफ डिग्री टू का आप लोगों का पॉलीनोमियल मिलेगा नहीं, सो यू विल बी गेटिंग यूटीएल बिटवीन द टू पॉइंट. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा दो पॉइंट्स के बीच में, इन दैट केस ओनली यू विल बी गेटिंग अ पैराबोलिक कर्व. ठीक है, ओके, एक न्यूमेरिकल दिख रहा है इन फिगर वन, दिस इज योर फिगर. द शियर फोर्स विल बी, शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो मैक्सिमम शियर फोर्स हमको क्या मिलेगा देखिएगा. पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट. सो रिएक्शन एट द सपोर्ट विल बी गेटिंग इफ द रिएक्शन इज एक्टिंग इन द अपर डिरेक्शन. ओके, सो दिस टू लोड विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दिस समेशन एफ आई इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम का अप्लाई करते हैं. इन दैट केस विल बी गेटिंग द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 5 + 10 विल बी इक्वल टू देयर 15 kN. ठीक है, तो आप लोगों का मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी एट द सपोर्ट एंड इट इज इक्वल्स टू योर 15 kN. ठीक है, इन फिगर वन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी. अब इसमें ही हमको क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है.
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैंटिलीवर के केस में, जो पहले ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है, दैट इज एट द सपोर्ट्स। ठीक है, तो सपोर्ट्स पे होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे हम, 10 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर 4, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज योर 40। ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ दिस 5 किलो न्यूटन विल बी ऑल्सो मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट और फिक्स्ड एंड एज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज योर 10। ओके, तो आपको अब देखना है कि आंसर में क्या है, 40, 50। हमको सीधे आंसर ही कैलकुलेट करना है, तो दिस 40 प्लस 10 विल बी इज इक्वल टू योर 50 किलो न्यूटन। ओके, इन फिगर 1 स्लोप ऑफ एस एफ डी बिटवीन बी एंड सी विल बी। अब देखिए बी और सी के बीच में आप लोगों को स्लोप पूछ रहा है। देखिए स्लोप का कॉन्सेप्ट बेसिकली अभी तो आप लोगों के केस में नहीं है, वो डिफ्लेक्शन के केस में आ जाता है, बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, तो आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव के केस में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, मोमेंट का इक्वेशन होना चाहिए। एंड मोमेंट के इक्वेशन से हम क्या जनरेट करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल आप लोग स्किप कीजिए, बट देन ऑल्सो यू विल गेटिंग कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमेंट का इक्वेशन जनरेट करते हैं, सेक्शन कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लें, तो दिस 10 मल्टीप्लाइड बाय सपोज दिस डिस्टेंस इज योर x, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब हम डेरीवेट करेंगे, ओके फर्स्ट डेरीवेटिव निकालेंगे, तो विल बी गेटिंग 10 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ओके, तो जब x की वैल्यू हम पुट अप करेंगे कहाँ पे, फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन सपोज c, तो x विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, तो 10 माइनस 5 इंटू 2 विल बी योर 10 अगेन, तो 10 माइनस 10 आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी 0। तो यहीं पे आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है कि स्लोप विल बी 0। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमने अभी इतने क्वेश्चंस देखे हैं आज के लिए, ओके तो ये जो है आप लोगों का ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम पे आप लोगों को आएंगे। इसके और भी क्वेश्चंस जो हैं टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, और आप लोगों को पर्टिकुलर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के नियर अबाउट 100 टू 120 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आंसर्स भी आप लोगों के अवेलेबल हैं। तो यू कैन शॉर्ट ऑफ आप टेस्ट शॉर्ट ऑफ बैठ जाइए और उसको अपीयर करके देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों से आफ्टर कैरिंग आउट योर स्टडी ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो पेपर वन में आप लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउ रहेगा नहीं, तो न्यूमेरिकल शॉर्ट ऑफ वन लाइनर ही रहेंगे जो सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस अगर वन लाइनर भी आ रहे हैं तो इजीली कैलकुलेट हो जाए, टाइम टेकिंग ना हो बेसिकली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।